राधे राधे सभी को, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज है तारीख 7 मार्च और गर्भित हमारा हो चुका है। रेडी नहा धोकर बताना कैसा लग रहा है मेरा बाबू। मैंने अपने बेटे को भोला भंडारे बनाया था। आप लोग बताना कैसा लग रहा है मेरा बेटा। ये अभी की नहीं है वीडियो, ये सावन में बनाया था मैंने लास्ट ईयर इसको, जब गर्मी थी। अब तो ठंड हो रही है तो मैंने इस बार नहीं बनाया। कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर नाइट में हम लोग निकल गए थे बाहर मंदिर में जाने के लिए, भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। मैं, गर्वित और दीदी, और यहाँ पे ना बहुत ही प्यारे डेकोरेशन की हुई है। और आप देख सकते हैं पूरी रोड को कितने सुंदर से सजाया हुआ है, कितनी प्यारी लग रही है सारी लाइटिंग, फ्लावर्स, और कितने श्रद्धालु हैं, कितने लोग कांवड़ ले लेके जा रहे हैं। और हमारे यहाँ ना काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की, और दूर बहुत दूर से ना जब आप देख रहे हैं ना वहाँ से लाइन लगनी शुरू हो जाती है, रास्ते चल चलना शुरू हो जाता है। बहुत ही सुंदर सब कुछ। हम जा रहे हैं मंदिर, ये देखो कितना सुंदर सजाया हुआ है मंदिर को, बाहर से भी बहुत प्यारा लग रहा है सब कुछ। मंदिर के अंदर आते के साथ ही आप लोग देख सकते हैं कितनी भीड़ है और कितनी प्यारी डेकोरेशन की हुई है फ्लावर्स और बैलून। और ये देखिए यहाँ ना भक्तों की लाइन अभी से लगनी शुरू हो ही गई है, और अभी ना सिर्फ 9 बजे हैं। जल चढ़ाने वाले श्रद्धालु जल वगैरह चढ़ा रहे हैं। सजे रहे भोले बाबा। आप जैसे कि देख ही सकते हैं कितना सुंदर दरबार सजाया हुआ है हमारे भोले बाबा का। ये देखिए दर्शन करिए हमारे बाबा के, कितनी भीड़ है यहाँ पर। सब दर्शन कर रहे हैं श्रद्धालु, कोई जल चढ़ा रहा है, सब फ्लावर की डेकोरेशन की हुई है, बैलून से कितना प्यारा सजाया हुआ है। दर्शन करने के बाद हम लोग चले गए थे पकौड़े का प्रसाद लेने के लिए। जैसे कि आप सब देख ही सकते हैं कितनी सारी पकौड़े वगैरह बन रही हैं। फिर हम लोगों ने ना कुछ पिक्चर्स क्लिक की प्यारी प्यारी सी। फिर हम लोग इंजॉय करके आ गए अपने घर पर। आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना, सपोर्ट करना मुझे। थैंक यू। बाय बाय गाइस, लव यू।